कांग्रेस जिला अध्यक्ष अतुल चौहान बोले, कांग्रेस छोड़कर गए 6 बार के विधायक को इस चुनाव में जनता जवाब देगी। सुनिए फास्ट समाचार मंच पर संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव से चर्चा करते हुए विभिन्न राजनीतिक सवालों और मुद्दों पर क्या बोले कांग्रेस जिलाध्यक्ष अतुल चौहान और प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव रविंद्र पाठक। जी अतुल चौहान जी, क्या लग रहा है जीतू पटवारी जी का जो आज कराल में प्रोग्राम था, कितनी क्या एनर्जी और कांग्रेस में आ गई है? देखिए, जीतू पटवारी जी भी एक एनर्जी का नाम ही है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी। आक्रामक छवि है और जनता के बीच में लगातार सक्रिय हैं वो। और आज जब चुनाव का तीसरे चरण का अंतिम पड़ाव चल रहा है, आज शाम को 5 बजे हमारे श्योपुर मुरैना लोकसभा का भी 5 बजे पूरा प्रचार अभियान थम रहा है, उस बीच में वो करहाल अंचल के आदिवासी क्षेत्रों भाइयों से, भाई बहनों से मिलने के लिए उतारू थे और आज वो आए हैं हेलीकॉप्टर से। और उनके साथ हमारे आदिवासी लीडर पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम जी, अभी विधायक आदरणीय फूंदेलाल मार्को जी भी साथ में आए हैं। तो निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि आदिवासी भाइयों का यहाँ पे उत्साह, इतने कम समय में हजारों संख्या में भीड़ यहाँ पे उपस्थित जो हुई है, वो भारतीय जनता पार्टी के कान खड़े करने के लिए काफ़ी है। कल भी उनकी भारतीय जनता पार्टी की सभा हुई थी, उन्होंने पूरा सरकारी तंत्र लगाया था यहाँ पर, तब जाकर के वो इतनी भीड़ नहीं जुटा पाए। आज यहाँ पर जो आदिवासी भाई चल करके आए हैं, वो अपनी स्वेच्छा से चल करके आए हैं। जो कल लाए गए थे, वो भीड़ लाई गई थी उनकी तरीके से। और आपको बता दूं, मैं यहाँ पर क्षेत्र से आदरणीय रामनिवास रावत जी भी, जैसे हमारी पार्टी को जब उनको लगातार 6 बार MLA बनने का कांग्रेस पार्टी से मौका मिला, 10 बार उनको टिकट दिया, 2 बार लोकसभा का भी दिया, 5 प्रदेश का अध्यक्ष भी बनाया कार्यकारी और पूर्व मंत्री रहे, लगातार कांग्रेस ने उनको हर पद दिया, लेकिन अचानक से पार्टी को छोड़ के चले गए। तो अब ये जनता, विजयपुर की जनता, उसका जवाब भी अब देने वाली है, उसका भी बहुत आक्रोश है। तो निश्चित रूप से करहाल अंचल के आदिवासी भाई बहन और क्षेत्र के और भी जो आमजन हैं यहाँ के, हर वर्ग के लोग, करहाल क्षेत्र के हों, यहीं विजयपुर क्षेत्र के हों, चाहे वीरपुर क्षेत्र के हों, गसवानी क्षेत्र के हों, और श्योपुर क्षेत्र में भी लगातार नीटू सिकरवार जी की कांग्रेस पार्टी की 30 साल बाद लहर चल रही है यहाँ पे मुरैना श्योपुर लोकसभा में, और ऐतिहासिक मतों से, लाखों वोटों से जीत करके मुरैना श्योपुर लोकसभा से नीटू सिकरवार जी जाने वाले हैं। जैसा कि आम पब्लिक ये बात कह रही है कि मुरैना लोकसभा सीट इतनी हाई प्रोफाइल सीट हो गई है कि जहाँ प्रधानमंत्री और तमाम CM भी लगातार प्रचार कर रहे हैं, कि कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि नीटू सिकरवार प्रत्याशी के रूप में भारी पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ नीटू सिकरवार के पास संसाधन कम होने की वजह से लोकसभा क्षेत्र लंबा है, क्या वो पूरा कवर कर पाए, क्या जीत सुनिश्चित माने उनकी? देखिए, मोदी जी की सभा जब हुई थी ना, वो आए तो थे, लेकिन हम लोग गए थे अभी तब, वहाँ जनता से हमने जब पूछा तो वो खुद ही कह रहे थे कि हमारी नेता प्रियंका गांधी जी को सुनने के लिए 3 घंटे लेट तक बैठे रहे, शाम 6 बजे तक लोग बैठे रहे, और 25 से 30 हज़ार आदमी था, और वहीं लोग वह कह रहे थे कि इसी पंडाल में उनकी 5 हज़ार की सभा थी मोदी जी की, देश का प्रधानमंत्री जिनके नाम से भीड़ जुटती थी, तो भीड़ गायब हो गई। और नरेंद्र सिंह तोमर जी, मोहन यादव जी, तमाम लोग लगे हुए हैं पूरी ताकत से। आप जैसा अभी कह रहे हैं आपकी नीटू सिकरवार जी के पास संसाधन कम है, संसाधन कम नहीं है, एक बार संसाधन कम हो सकते हैं, लेकिन जनता का जो संसाधन होता है और जनता का जो मन होता है, वो सबसे बड़ा संसाधन होता है। वो कांग्रेस पार्टी के नीटू सिकरवार जी ने, कांग्रेस पार्टी ने जीत लिया उनके मन को, और मोहर जो लगाने वाले हैं वो 1 नंबर पर, उनका जो मतदान होने वाला है, बटन दबेगा 1 नंबर पर, तो आप देखेंगे कि हजारों हजारों संख्या में बिना संसाधन और संसाधन के लोग, जनता उनसे जुड़ रही है, कांग्रेस पार्टी से जुड़ रही है। कांग्रेस पार्टी के जीतू पटवारी जी हों, चाहे हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, राहुल गांधी जी की जो न्याय, 5 गारंटियां जो दी गई हैं, उस गारंटी से लोग जुड़ रहे हैं, और हजारों हजारों की संख्या में श्योपुर और विजयपुर क्षेत्र से भी जनता यहाँ से उनको जिता करके भेजने वाली है। चौहान जी, जो आज तक आदिवासियों के बड़े नेता कहे जाते थे क्षेत्र में, मुकेश मल्होत्रा जी, आदिवासी नेता ने यहाँ पे कल कही है या भारतीय जनता पार्टी ने उनसे कहलवाई है, क्योंकि डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने अपने विश्वास पात्र को लड़ा तो लिया, लेकिन आज जनता के बीच में वो विश्वास नहीं पा पा रहे उनके प्रत्याशी। दूसरी बात, आज जब इतनी संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ पे, सैकड़ों की संख्या में आदिवासी भाई बहन आए, तो वो चाहे आप जिनके बारे में, मुकेश मल्होत्रा जी के बारे में कह रहे हैं कि वो उनकी दलाल उनके लिए बोला गया है, तो उनकी छवि तो आज दिखाई दी यहाँ पर, उन लोगों ने, उन्होंने यहाँ मेहनत करी, आज उनके सामने यहाँ पे जनता जो जुटी, तो उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, दलाल और उनकी छवि, और कल सरकारी तंत्र लगा करके भीड़ जुटाई गई, तो जो लोग बच्चे दलाल बोल रहे थे उनको सरकारी तंत्र से बुलाई, और आज मुकेश मल्होत्रा जी की छवि तो यहाँ दिखाई दी, और कांग्रेस पार्टी के नीटू सिकरवार जी को समर्थन देने के लिए हजारों की संख्या में जो आदिवासी भाई बहन और दूसरे लोग पहुँचे हैं, वो निश्चित रूप से वो, और ये तो भारतीय जनता पार्टी का उतावलापन है और उनका कहीं ना कहीं घबराहट है, उस तरह से मुकेश मल्होत्रा जी के लिए बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रदेश सचिव कांग्रेस कमेटी रविंद्र पाठक जी।
रविंद्र पाठक जी, क्या माहौल लग रहा है आज चुनाव की, चुनावी दौर का अंतिम प्रचार प्रसार है, क्या स्थिति रहेगी? जी, चुनावी माहौल अभी आपने भी देखा है, पूरा पांडाल मतलब भरा था, लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है, सभी लोग दूर दूर से और काफ़ी लंबी दूरी से, जबकि ये मीटिंग का समय बहुत जल्दी में था, 50-50, 80-80 किलोमीटर से आदमी आ गया और सभी का जोश उत्साह आपने खुद ने देखा, आपने भी देखा है। निश्चित रूप से कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस के प्रत्याशी हमारे भारी मतों से विजयी होंगे। रविंद्र जी, आपके जो बिल्कुल खास माने जाने वाले विधायक रामनिवास रावत जी पार्टी छोड़ गए, क्या मानते हो कितनी आनी है? देखिए, ऐसा है कि एक साधारण कार्यकर्ता भी पार्टी छोड़ता है तो वर्चस्व उनका भी होता है, अस्तित्व होता है, हर आदमी के पास अपना अपनी वोट बैंक होती है, वो भी 6 बार के विधायक थे, तो असर तो पड़ेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन सभी संघर्षशील हैं, हमारे सारे मतलब कार्यकर्ता, हमारे कांग्रेस की सारी टीम पूरी ताकत, लगन, मेहनत और ईमानदारी से मतलब लगी है और हम निश्चित रूप से विजयी होंगे। भाजपा की लॉबी ने बढ़ चढ़ कर प्रचार किया क्योंकि उन पर संसाधन ज़्यादा थे या संसाधनों की थोड़ी कमी थी, क्या लगते हो इतना लंबा जो क्षेत्र है लोकसभा का, उसको ये कवर कर पाए इतने से दिनों में? ऐसा है, जनता समझ गई है कि भाजपा केवल मीडिया और ऊपर का आडंबर है, झूठ बोलने की मशीन है, एक बाशिंग मशीन है उनके पास, दूसरी पार्टी में कोई कैसा भी हो इसमें आ जाओ, बाशिंग मशीन से धोखे वो मतलब शुद्ध कर देते हैं, चाहे कितने ही आरोप गंभीर से गंभीर आरोप हों, ये जनता समझ चुकी है, इन सब बातों का अब कहीं कोई असर नहीं पड़ेगा। तो रामनिवास रावत जी अभी बीजेपी में शामिल हो गए हैं, कितनी मजबूती वो लोकसभा में भाजपा को दिला पाएंगे, क्या रहेगा उनका, बताइए। जहाँ तक मैंने पहले भी कहा था कि एक साधारण कार्यकर्ता के पास भी एक अपना वर्चस्व और अपना नेटवर्क होता है, असर तो पड़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ डैमेज कवर करने के लिए हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ता और दुगनी ताकत से लगे हैं, और जहाँ तक उनका प्रश्न है तो हमारी कांग्रेस पार्टी शिष्ट और नैतिक पार्टी है, हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय जीतू भाई जी ने भी कहा कि वे उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं, आने वाले मतलब चुनावों में भी वो सफल हों ऐसी मतलब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो ऐसा है, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, हम कहीं से कतई कोई अपने आप में मतलब निराश नहीं है, पूरे कार्यकर्ता लगे हैं।